हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी ब्लॉग्स। तो आज का जो ब्लॉग है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट 5 वेज टू बी हैप्पी। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी लाइफ जो है वो कुछ सालों से बहुत ज़्यादा आसान हो गई है बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड बिकॉज ऑफ ऑल द फैसिलिटीज दैट इट प्रोवाइड्स अस। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे मेंटल कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड बहुत सारे बच्चे कम उम्र से ही उनको एन्जाइटी का इश्यूज़ हो रहा है और भी काफ़ी सारे मेंटल दिक्कतें उनको आ रही हैं, जिनका सॉल्यूशन निकालना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आई नो मेडिकल हेल्प ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी वजह से अपसेट है या सैड है और एक्सट्रीम लेवल की कोई मेंटल इलनेस फेस नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक इसका सॉल्यूशन आपके पास खुद होता है, राइट? जो पहला स्टेप हैप्पीनेस का है वो मेरे ख्याल से है ग्रैटिट्यूड। बिकॉज आई थिंक अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं फॉलो करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, तो आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है टू सस्टेन दैट हैप्पीनेस। सो भले ही आप कितना ज़्यादा अचीव करते हो, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं फील करते हो देन आपको एक कमी सी फील होती है। आपको ऐसा लगता है कि इट्स नॉट इनफ, आई हैव टू गेट मोर एंड मोर, विच इज़ नॉट बैड। क्योंकि अगर आप ज़्यादा के पीछे भाग रहे हो तो दैट मीन्स आप एम्बिशियस हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो लाइफ में। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ग्रो नहीं करना चाहिए, बट जो आपके पास करेंटली है उस चीज़ को अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड से हो सकता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं फॉलो करते हो तो जो आपके पास है आप उसकी भी वैल्यू नहीं करोगे। अगर आप वैल्यू नहीं करोगे तो लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी और आप हमेशा एक रिग्रेट में जीते रहोगे कि यार सब कुछ मिला लेकिन कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खाली सा लग रहा है। सो मेरा ऐसा मानना है कि ग्रैटिट्यूड फॉलो करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और वो बहुत ज़्यादा आसान है फॉलो करना। आप रोज़ सुबह उठिए और उठने के बाद आपके पास एक डायरी है, जर्नल है, तो उसमें 5 चीज़ें लिखिए जो आपको लगता है कि आपके लाइफ में स्पेशल है या जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। आप ऑलमाइटी के सामने आप ग्रेटफुल हो कि थैंक गॉड मेरे पास ये चीज़ें अभी तक है। सो आपको ग्रैटिट्यूड फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज, बिकॉज आजकल हम हर चीज़ को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हमें लगता है जो हमारे पास है वो कम है और जो हमारे फ्रेंड्स के पास है वो शायद ज़्यादा वैल्यूएबल है, हम उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ऐसा नहीं है, तो जो हमारे पास है हमें उसकी भी वैल्यू ज़रूर करनी चाहिए। सो प्लीज़ गाइज, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, इससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। हमें पता चलता है कि जो हमारे पास है वो भी बहुत है, राइट? और जब हम अभी जो चीज़ें हमारे पास उसकी वैल्यू करते तो ही कल जो हमारे पास चीज़ें आएंगी उसकी भी वैल्यू करेंगे, वरना हमेशा हम एक अपनी हैप्पीनेस को स्टैंड बाय मोड। हमारा अगला पॉइंट है हेल्पिंग अदर्स, राइट? आपने सही सुना, जब हम औरों की मदद करते हैं तो उसमें जो हैप्पीनेस हमें मिलती है वो बहुत ज़्यादा लेवल की हैप्पीनेस होती है। ट्रस्ट मी गाइज, आपको दूसरों को गिफ्ट देने में जो मज़ा आएगा वो अपने आप के लिए कुछ करके मज़ा नहीं आएगा, और ऐसा साइंटिफिक स्टडीज़ में भी माना गया है कि जब आप किसी और की मदद करते हैं, किसी और की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो फिर आपको जो हैप्पीनेस फील होती है, आपको जो सेटिस्फैक्शन फील होती है, वो एक अलग ही लेवल की होती है। सो राइट, आप सबको दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप होगा, लोग एक दूसरे की मदद करने से हिचकिचाएंगे नहीं। अगर हम सब सेल्फिश हो जाएंगे, किसी की हेल्प ही नहीं करेंगे, तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। हम सारे ह्यूमन बींग्स है, वी हैव टू स्प्रेड ह्यूमैनिटी, वी हैव टू हेल्प ईच अदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम हेल्प नहीं करेंगे ना, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, तो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। भले ही हमारे पास सब कुछ आ जाए लेकिन फिर भी वी वोंट बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। वी हैव टू हेल्प अदर्स, नॉट जस्ट आर फैमिली मेम्बर्स। अगर हम सोसाइटी में बाहर कहीं जाते हैं, किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है, तो हमें उनको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। सो हमारा थर्ड पॉइंट है हैप्पीनेस के लिए, वो है एफर्मेशन। यस, डेली एफर्मेशन। नाउ व्हाट इज़ एफर्मेशन? एफर्मेशन मीन्स अगर आप कोई भी चीज़ लाइफ में चाहते हैं कि ये चीज़ मेरी लाइफ में हो जाए, लाइक कोई भी चीज़ की कमी हो सकती है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसका जस्ट ऑपोजिट जो सेंटेंस है, लाइक आपको गुस्सा आ रहा है तो आप लिख सकते हैं आई एम अ पीसफुल पर्सन, या फिर अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो आई एम अ चिल्ड आउट पर्सन। तो उसका ऑपोजिट जो स्टेटमेंट है वो कहीं पे लिखिए
और उसको पूरे दिन में बीच बीच में जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है या तो उसको देखिए या तो उसको मन में पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए। ये होता है एफर्मेशन। ना एफर्मेशन रीड करते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि आप उस वर्ड को फील करें, लाइक आप जो भी आपने लिखा है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उससे आप अंदर से फील कीजिए कि यस, ये चीज़ वर्क कर रही है मेरे ऊपर। तो एफर्मेशन एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिससे कि आप हैप्पी फील कर सकते हो। बिकॉज इससे क्या होता है, एक तो आपके अंदर जो शॉर्टकमिंग्स है, जो वीकनेसेस है, आपको मौका मिलता है उन पे वर्क करने का। जैसे कि अगर मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो आई कैन राइट इन द एफर्मेशन दैट आई एम अ पीसफुल पर्सन, आई एम नेवर एंग्री। ओके, तो इस तरह से बार बार अगर मैं बोलते जाऊंगी हर दिन, मैं कंटिन्यूसली एक एफर्मेशन लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ, सुबह और रात को रीड कर रही हूँ। अगर आपको पूरे दिन भी टाइम नहीं मिलता, बस सुबह उठने के बाद एक बार उसे पढ़िए, रात में पढ़िए, ऐसा कंटिन्यू कीजिए फॉर अ मंथ और फॉर टू मंथ्स, फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। और आप देखिएगा, इट रियली वर्क्स। बिकॉज जब वो चीज़ पे आप वर्क करने लगोगे, जब आपको गुस्सा कम आने लगेगा, तो आपको लगेगा अरे यार, मतलब ये कैसे हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पे आपने ये अफर्म किया, आपने अपने माइंड में ये चीज़ डाला कि मुझे गुस्सा नहीं आता। क्योंकि कभी कभी अक्सर ऐसा होता है, किसी को अगर थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा है तो लोग उसके आसपास क्या होते हैं ना, उसको बोल बोल के और ज़्यादा गुस्सा दिला देते हैं कि यार ये तो बहुत गुस्से वाला है, इसको तो हर बात पर गुस्सा आता है। तो क्या होता है, हम जो भी आसपास सराउंडिंग से सुनते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। सो हमारा माइंड जो है उसको ट्रुथ की तरह परसीव करता है, उसको ऐसा लगता है यही सच है और ये चेंज नहीं हो सकता। जबकि ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं और हम उसे बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ में आप कम हो, आपको लगता है कि यार ये मेरी वीकनेस है, आप उस पर वर्क नहीं कर सकते। आप हर चीज़ पर वर्क कर सकते हो गाइज। प्लीज़, एफर्मेशन इज़ अ मस्ट। आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, और भले ही शुरू में आप एक दो एफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, बाद में आप उसको बढ़ा सकते हैं, ऑल अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि यह आपके हैप्पीनेस के लेवल को ज़रूर अप करने में आपको हैप्पीनेस के लिए है एक्सरसाइज। गाइज आई नो, बहुत ही क्लीशे आंसर है कि एक्सरसाइज करना ही करना है, मतलब अगर आपको फिटनेस चाहिए तो एक्सरसाइज, और हैप्पीनेस चाहिए तो एक्सरसाइज। आपको ये लगे क्या ये एक्सरसाइज हर चीज़ में, बट देर इज़ अ साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड दिस। क्या करता है, हमारे बॉडी में एंडोर्फिन और डोपामिन सीक्रेट करने में हमें मदद करता है, जिससे कि हमारा हैप्पीनेस लेवल जो है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बूस्ट होता है। तो इसीलिए गाइज एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक तो नंबर वन, आप फिट रहोगे, आपका वेट मैनेज होगा, और सेकंड, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बिकॉज आप एक यू नो प्रोडक्टिव चीज़ कर रहे हो, यू नो दैट यू आर वर्किंग ऑन योर बॉडी, ये वाली जो फीलिंग है दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर योर बॉडी, ये आपके हैप्पीनेस को ज़रूर एनहांस करेगा। बिकॉज ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि एंडोर्फिन और डोपामिन का जो लेवल जब इंक्रीज होता है एक्सरसाइज करने के टाइम, तो वो हमें हैप्पी और कॉन्फिडेंट फील कराने में हमारी मदद करते हैं। सो प्लीज़ गाइज, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। ये आपके ओवरऑल फिजिकल और मेंटल दोनों वेलबींग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अब आता है हमारा फिफ्थ, यानी कि हमारी डी क्लटरिंग। यस गाइज, डी क्लटर एक ऐसा चीज़ है जो आपके हैप्पीनेस को बढ़ाने में आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। आप पूछोगे कैसे, अब देखो, अगर आप जिस रूम में रहते हो, आप जिस घर में रहते हो, वहीं डी क्लटर नहीं हुआ है, मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लटर पड़ा है, बहुत ज़्यादा मैसी सा रूम है, गंदा सा रूम है, तो यानी कि सबकॉन्शियस लेवल पे क्या होता है ना, जब आप ऐसे रूम में पड़े रहते हो या ऐसे घर पे काम करते हो, जो भी करते हो, तो आपका मेंटल लेवल पे भी आप मेस्ड अप होने लगते हो। बिकॉज वो जो चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, क्लीन नहीं हैं, उन्हें आप बार बार देखते हो, धीरे धीरे आप उसके साथ यूज टू हो जाते हो, तो आपके लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा मैसी होने लगता है ना, तो आपको वो सब नॉर्मल लगने लगता है। बिकॉज जिसका घर ही मैसी है, उसको लाइफ मैसी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? तो अगर आपको अपनी लाइफ को भी ऑर्गेनाइज, क्लीन, एकदम सब कुछ मतलब परफेक्ट चाहिए ना, तो प्लीज़ अपने रूम से शुरुआत कीजिए। सुबह उठते ही अपना बेड ठीक कीजिए, अपने आसपास की चीज़ों को क्लीन कीजिए, और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत। आपका रूम क्लीन दिखता है, आपका रूम ब्राइट दिखता है, तो आपको भी एक अच्छा फील होता है। ये आपके हैप्पीनेस को बूस्ट करने में आपकी ज़रूर मदद करता है। तो आप घर पे ही एक क्लीन एनवायरनमेंट रखते हो, एक हैप्पी स्पेस में रहते हो, तो आप बाहर निकलते हो ना, तो आपका काम भी अफेक्ट होता है। तो ये था हमारा आखिरी पॉइंट कि डी क्लटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डी क्लटरिंग का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके घर में जितने भी अनवांटेड सामान होंगे ना,
ऐसा कभी कभी घर पे कुछ कुछ सामान पड़ा रहता है ना काफ़ी सालों से और हमने उसको फेंका ही नहीं होता है, या फिर ऐसे पेपर्स पड़े होते हैं जो बस ऐसे यू नो पुराने बिल्स पुराने पेपर्स, उसको हम फाड़ के फेंकते भी नहीं हैं। तो उन सारी चीज़ों का डीक्लटर होना ज़रूरी है, और अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट वीकली बेसिस पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर पे जो अनयूज्ड चीज़ें हैं या फिर कोई ख़राब हुआ सामान पड़ा है, कोई गैजेट है जो वर्क नहीं कर रहा है, तो उनको आपको फेंकना ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करने लगोगे, ये पांच चीज़ें करने लगोगे ना गाइस, सीरियसली इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग योर मूड। आप हैप्पी ज़रूर रहोगे एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके लिए ये वर्क करता है तो मुझे काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो ये काफ़ी वर्क किया है, स्पेशली डीक्लटर वाला थिंग। आई यूज़ टू बी अ लेज़ी बम, मतलब मैं बहुत ज़्यादा वैसे थी कि यार मेरे को चलता है, मतलब मेरा रूम मैसी हुआ पड़ा रहेगा। इट्स रियली लाइक समथिंग जिसके ऊपर मैंने इतना सोचा नहीं था, बट बाद में जब मैंने अपने हाउस को क्लीन करना शुरू किया, अपने रूम को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, देन आई फेल्ट दैट लिटरली मेरी यू नो इस छोटे से चेंज से मेरी लाइफ की दूसरी चीज़ें भी अफेक्ट होने लगे, मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई। सो आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा। नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए कि किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, और अगर आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, बिकॉज मेरा चैनल न्यू है, आई नीड योर सपोर्ट। एंड अगर आपको इस तरह की दूसरी वीडियोस भी देखनी है अलग अलग टॉपिक्स पे, तो प्लीज़ कमेंट में नीचे लिखिए कि किस तरह के वीडियोस आपको देखनी है जो आप चाहते हैं कि मैं अपलोड करूँ। So till then, take care, bye-bye and keep smiling.